हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वह है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके है। क्या है क्वेश्चन, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें मॉडल ऑफ कंडक्ट को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए और हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मॉडल ऑफ कंडक्ट होता है, इसके दौरान जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो एक साथ कंबाइन होकर या एक साथ मिलकर कोई भी ऑफिशियल विजिट है इलेक्शन के लिए वो नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इफ एनी कैंडिडेट वॉयलेट एमसीसी, नहीं कोई भी कैंडिडेट है जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करता है, तो उसके लिए हाई कोर्ट है, वहाँ पे बेसिकली लिटिगेशन है, वो फायर है, वो मतलब दायर है, वो की जा सकती है। और इसके साथ ही मतलब जो टाइम है मॉडल ऑफ कंडक्ट के, उस दौरान। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है ना, इसका एक पार्ट है। हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो देखो तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? देखो तो तीसरा तो इसलिए गलत है क्योंकि मॉडल ऑफ कंडक्ट है, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया, यानी कोई किसी इसके लिए कोई एक्ट वगैरह नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो तीसरा तो अपने आप गलत यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे बात करें सेकेंड की, अगर सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास एक की ओनली ए है, वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट है वो न्यूज़ में देखी जाती है, किसे एसोसिएट है? पहला ऑप्शन आपके सामने क्लाइमेट चेंज, दूसरा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, चौथा है, तीसरा है यहाँ पे ग्लोबल लेवल प्रोटेस्ट अगेंस्ट टेररिज्म, थर्ड है, सॉरी फोर्थ है यहाँ पे नन ऑफ द अबव। तो देखो जो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट है, ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक मूवमेंट है, वो चलाई गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम को लेके है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस स्कीम का मोटो है वो ये है कि जो क्वालिटी वाली ड्रग्स है ना, उसको 50 से 90% तक डिस्काउंट रेट पे प्रोवाइड करवाना। देखो मार्केट में क्या होता है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं वो काफ़ी महंगी मिलती हैं, तो लोगों को 50 से 90% तक लगभग सब छूट है वो मिल सके, और जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम है वो आई है, ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती है ना, उनको कलर कोड की हेल्प से जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं उनसे डिफरेंट किया जाएगा, मतलब ब्रांडेड मेडिसिन और जो जेनेरिक मेडिसिन होंगी उनमें कलर कोड रखा जाएगा ताकि आराम से आइडेंटिफाई उनको किया जा सके इस स्कीम के तहत। देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट है वो इस स्कीम का एक पार्ट नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने केवल इस चीज़ के बारे में प्लान किया है कि भाई जेनरिक मेडिसिन है उनका एक कोड है वो जनरेट किया जाए, एक कलर कोड होना चाहिए ताकि कोई भी कस्टमर उनको आराम से आइडेंटिफाई है वो कर सके। लोगों को अफोर्डेबल रेट पर मेडिसिन प्रोवाइड करवाने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम है वो चलाई गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हैम्प बैग्ड मसीर को लेके, ये देखो एक फिश की प्रजाति है, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था अभी कुछ दिन पहले ही। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक लार्जर फ्रेश वाटर शिप है जो कि केवल और केवल कावेरी रिवर बेसिन में पाई जाती है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि है आयुसेन की लिस्ट कंसर्न लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। तो देखो मैं आपको बता दूं, हमने डिस्कस किया था कि हम बैक जो मैसीर फिश है वो केवल और केवल इंडिया का जो कावेरी रिवर बेसिन है, या जो कावेरी रिवर उसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटीज हैं, उन्हीं में पाई जाती है, और यह आईयूसीएन की क्रिटिकली इंडेंजर लिस्ट में शामिल है, ना कि लिस्ट कंसर्न में। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला यहाँ पे सही है वो हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेनी एनडीबी। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन कुड बी मेंबर ऑफ एनडीबी, यानी यूनाइटेड नेशन के जो भी सदस्य हैं वो नेशन न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बन सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि न्यू डेवलपमेंट है बैंक है, इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। चाइना में कहाँ पे है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, अगर सेकंड को आप इलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास बी भी गायब हो गया और डी भी गायब हो गया, और पहला और तीसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी की पहला और तीसरा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है लक L56, LUC L56। देखो यह एक सिप है, जहाज है, जो कि मेनली नेवी के लिए है, वो डेवलप किए वॉरशिप है, आप एक तरीके से याद रख सकते हो इसको। अब यह इंडियन नेवी को प्राप्त है वो हो गया है, इसमें काफ़ी सारे एडवांस फीचर हैं, एडवांस वेपन इसमें शामिल हैं वो किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी पूछ सकती है
कि एक सबमरीन है या एक मतलब जहाज है, पेट्रोल वेसल वगैरह है कुछ, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एक वॉरशिप नहीं, एक जहाज है जो कि इंडियन नेवी यूज है वो कर रही है। ये जो डेवलप है, जो बिल्ड किया गया, ये किया गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, जो कि कोलकाता बेस्ड एक कंपनी है, उसके द्वारा इसको डेवलप या निर्माण किया गया है। बाकी देखो इसमें और जैसे बताया गया है कि इसमें एडवांस गन है, स्वदेशी वो रखी गई हैं, 216 पैसेंजर्स वगैरह, तो ये तो कुछ हमारे लिए काम का नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि LUC L50 क्या है, ये एक वॉरशिप है जो भी इंडियन नेवी में शामिल है, वो की गई है बेड़े में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कम्युनिटी रेडियो को लेके। कम्युनिटी रेडियो का मतलब होता है समुदाय का रेडियो। देखो आपने रेडियो तो जानते ही, हमने काफी बार जैसे FM वगैरह हो या और भी तरह के रेडियो चैनल्स होते हैं, तो क्या होता है कि हर हमारे देश में क्या है कि लैंग्वेज के बेसिस पे काफी विविधताएं हैं, तो कुछ छोटे छोटे एरियाज होते हैं जहाँ पे समुदाय को कनेक्ट करने के लिए रेडियो का यूज है वो किया जाता है। इसमें कम्युनिटी रेडियो में होता क्या है कि एक तरह की रेडियो सर्विस होती है जो कि जो आसपास के लोकल एरियाज होते हैं, जो स्पेसिस ऑडियंस होते हैं, उनकी हेल्प से यहाँ पे रेडियो कंटिन्यू है वो किया जाता है। मतलब कि छोटे छोटे एरियाज में मैंने समुदाय के द्वारा अपने रेडियो चलाए जाते हैं, रेडियो चैनल्स, उनको कम्युनिटी रेडियो है वो यहाँ पे कहा गया है। और इसमें जो कम्युनिटी के लिए रेडियो चलाया जाता है उनका इन्फ्लुएंस होता है, उन्हीं से रिलेटेड उनकी न्यूज़ वगैरह है, वही उनको ऑपरेट करते हैं, वो खुद इनकी ओनरशिप वगैरह इसमें होती है। और मेनली जो नॉट ये मेनली नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इनको प्रॉफिट के लिए यूज हो किया जाता है, मतलब समुदाय में अलर्ट वगैरह जानकारी वगैरह के लिए ही इसका मेनली यूज है वो किया जाता है। इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं इसके साथ, कम्युनिटीज हैं, वो अपनी स्टोरी वगैरह इस पर शेयर करती हैं, अपने एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करते हैं। इसी के साथ ही जो मीडिया रीच है उनकी न्यूज़ वगैरह है वो सारी यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। मतलब एक तरीके से जो समुदाय होते हैं, जो हमारे देश के छोटे छोटे कोने में अलग अलग जाति विविधता हैं, उन सभी लोगों को एकता में पिरोने का काम है वो कम्युनिटी रेडियो के द्वारा किया जाता है। कंटेक्स्ट बेसिकली है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसने अभी गाइडलाइन जारी की है, और इन कम्युनिटी रेडियोज हैं लगभग हमारे देश में 150 कम्युनिटी रेडियो को बोला है कि भाई आप है वो इलेक्शन को लेके न्यूज़ है कि आप सब लोग वोट डालिए, जागरूक है वो कीजिए, अभियान चलाने की बात है वो यहाँ पे की गई है। मतलब जो वोटर्स हैं उनको एजुकेटेड करने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि वोट डालना आपको, इसके लिए उन्हें गाइडलाइन है वो जारी की है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कम्युनिटी रेडियो है वो क्या, एक तरह की रेडियो सर्विस है जो कम्युनिटी के लिए काम है वो करती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है PSLV C-45। PSLV का मतलब पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब जो पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है उसके भी C-45 या 45 उड़ान है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। इसमें देखो दो सेटेलाइट लॉन्च किए गए थे, एक तो था एमीसेट और एक है एमसेट। इन दोनों के बारे में देखेंगे, बट पहले हम कंटेक्स्ट देखते हैं। कंटेक्स्ट जैसा मैंने आपको बताया कि PSLV C-45 की उड़ान के द्वारा दो इंडिया के सेटेलाइट और बाकी 28 और सेटेलाइट थे अदर कंट्रीज के भी, उनको भी स्पेस में भेजा गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट देखते हैं PSLV के बारे में, यानी पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पहला फैक्ट तो यह कि थर्ड जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल है जो कि इंडिया का स्वदेशी डेवलप है वो किया गया है। दूसरी बात यह है कि यह इंडिया का पहला ऐसा व्हीकल है, लॉन्चिंग व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेज है, इसका यूज किया गया, मतलब इसमें लिक्विड ईंधन का यूज है वो किया गया है। थर्ड इसका फैक्ट ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके द्वारा इंडिया में दो सक्सेसफुल या इंपॉर्टेंट मिशन है उनको लॉन्च किया गया था। एक तो 2008 में चंद्रयान मिशन जो कि चांद पे जाने का था, और एक था 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। ये दोनों ही जो मिशन है ना, ये PSLV या पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा ही लॉन्च है वो किए गए थे, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अगला फैक्ट है कि जो इंडिया के PSLV C-45 है ना, इसमें चार स्टेज थी। नॉर्मली देखो तीन ही स्टेज होती हैं, एक तो होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, और एक फिर वापस सॉलिड या क्रायोजेनिक। बट यहाँ पे जो PSLV C-45 है ना, इसमें चार स्टेज थी। ये आपको इतना बताऊं ना कि चार स्टेज हैं, बट इनकी सिक्वेंस भी आपको ध्यान होनी चाहिए। पहली और जो तीसरी स्टेज होती है ना, इसमें तो सॉलिड फ्यूल का यूज है वो किया जाता है, और जो तीसरी स्टेज है इसमें लिक्विड स्टेज का या लिक्विड फ्यूल का यूज है वो किया गया है। और यहाँ पे चौथी स्टेज इंपॉर्टेंट है, चौथी स्टेप में क्या हुआ है, इसमें सोलर जो पैनल है उनका यूज किया गया, मतलब सोलर एनर्जी के द्वारा ये सेटेलाइट है वो भेजा गया। तो ये आपको ध्यान में रखना, चार स्टेज इसमें हो गई है जिनके बारे में UPSC पूछ सकती है। इसके बाद में हम देखते हैं एमीसेट के बारे में। एमीसेट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेटेलाइट। देखो यह DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका मोटो यह है कि हमारे देश के जो आर्म फोर्स हैं, फिर जो इंटेलिजेंस हैं, उनको हेल्प है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। फिर दूसरी बात आती है एमसेट सेटेलाइट। एमसेट सेटेलाइट है वो एक रेडियो मतलब सेटेलाइट है जो कि रेडियो सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, रेडियो सेक्टर में कम्युनिकेशन के लिए यूज है वो किया जाएगा। तो UPSC एक तो एमीसेट के बारे में पूछ सकती है कि यह किसका सेटेलाइट है, ये DRDO द्वारा डेवलप किया गया है ना कि इसरो द्वारा, तो ऐसे क्वेश्चन UPSC कई बार पूछ लेती है।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अर्थ ओवर। क्या है अर्थ ओवर वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो अर्थ ओवर हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है, तो इस बार 30 मार्च 2019 को अर्थ ओवर मनाया गया। इसमें होता क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर देश में अपने लोकल टाइम के अनुसार रात को 8:30 बजे क्या है कि जो लाइट यूज नहीं आती है, फिर जो भी आप बोल सकते हो कि CFL ट्यूबलाइट वगैरह जो भी हो गया इंस्ट्रूमेंट, उनको बंद कर देते हैं आधे घंटे के लिए, एक तरीके से नॉर्मली आधे या एक घंटे के लिए, ताकि क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को मतलब जो कंजर्व है वो किया जा सके, और एक तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लोगों को अवेयर करवाने के लिए, इसके जो इफेक्ट नेगेटिव हो सकते हैं उनके लिए मेनली अर्थ ओवर है वो मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है रात को हर देश में 8:30 बजे 30 मार्च को यह मनाया हो गया है। किसके द्वारा यह मनाया गया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, उसके द्वारा इसको स्टार्ट है वो किया गया था। और ये जो इनिशिएटिव है अर्थ ओवर का, ये 2007 में सिडनी से स्टार्ट, यानी सिडनी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको धीरे धीरे लगभग 180 देशों ने इसको मनाया है हुआ। तो ये ध्यान रखना कि अर्थ ओवर का मतलब क्या है, UPSC इसके बारे में कई बार पूछ भी लेती है इस तरह के क्वेश्चन। तो देखो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। आज हमने मेनली जो जो न्यूज़ डिस्कस की है, सबसे पहले हमने लूक L-56 जो स्पेस जो वॉरशिप है इसके बारे में डिस्कस किया, फिर हमने कम्युनिटी रेडियो के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने PSLV C-45 के द्वारा जो इम्पोर्टेंट अभी सेटेलाइट लॉन्च किया गए हैं MESAT और RAMSAT उनके बारे में डिस्कस किया। इसी के साथ हमने यहाँ पे अर्थ ओवर के बारे में डिस्कस किया जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा मनाया जाता है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।